जोर से तीन बार हरि बोल बोलकर हरि बोल।
कार्यक्रम के बाद वहां से पुस्तक ले सकते हैं, और जो लेकर कार्यक्रम के बाद वो महाराज जी का स्पेशल ऑटोग्राफ भी वो पुस्तक में प्राप्त कर सकता है। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले महाराज जी ने विशेष रिक्वेस्ट किया कि हमारे भक्त वेदांत सुंदर गुरु आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर है, वो तो उनको एक संतान उत्पत्ति हुई है और उनका आज अन्नप्राशन करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था महाराज जी से। तो महाराज जी ने कहा कि कार्यक्रम के प्रारंभ में अन्नप्राशन, अन्नप्राशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाँ, पहली बार जब अन्न खिलाते हैं तो महाराज जी के हाथों से उनको पहली बार आज अन्न प्राप्त होगा। तो हम लोग जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे आज के कार्यक्रम के शुभारंभ करें। और सर भक्तों को रिक्वेस्ट करके मैं थोड़ा आगे आ जाइए, और भी कुछ भक्त आएंगे ना तो उनके लिए थोड़ा team for the Vadak, the instrument players. Yeah, join us. Mridang Karpa, up there, huh? You're ready? Hare Krishna. गौर हरी, कैसे हो आप? बढ़िया। तो बिना बजाए बजता ये हारमोनियम है आपके उपस्थिति के लिए। आप हर रविवार को आते हो या आते कि नहीं आते कि आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा कि आप मौन धारण किए हो आज के क्या बात है आपने या? रविवार को आते हैं और बाकी एक माता जी तो आती है रविवार को। आप भी आते हो? अच्छा, और इधर वाले, इधर वाले आने वाले हैं कि आने वालों में से आया करो भगवान के पास और भक्तों के पास आया करो। हरी हरी, आओ जाओ, आओ जाओ, फिर एक बार आओ, फिर
जाओ ही नहीं, ऐसी तैयारी करो। भगवान को प्राप्त करो और भगवत धाम लौटो, जहाँ के हम सभी है, उस देश के वासी हम है, और वो देश है वैकुंठ देश, क्या गोलोक देश के हम है। आप कृष्ण के हो ना, या हो सकता है आप राम के हो सकते हैं, तो भगवान ही है आपके मेरे भी। त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव ऐसा, त्वमेव हम लोग त्वमेव कहते हैं। त्वम एव दो शब्दों से त्वमेव एक शब्द हुआ संधि से, तो एव मतलब त्वम एव आप ही, तो आप ही, त्वम एव और ओनली यू ओनली आप ही तो हो। त्वम एव माता, त्वम एव पिता, त्वम एव बंधु, त्वम एव सखा, त्वमेव द्रविणम, त्वमेव ऐसे हमारा आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कदे संबंध से होते, संबंध संबंध से। सो लाइक दिस, इस प्रकार हमें अपना भगवान के साथ का जो संबंध है उसको पुनः स्थापित करना है। शाश्वत है, प्राचीन भी कह सकते, प्राचीन से भी शाश्वत कहना अधिक उचित है। हरि हरि। हम कौन हैं और भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, ये सब बेसिक बातें हमें सीखनी समझनी चाहिए इस मनुष्य जीवन में। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे शास्त्र में कहा है, अथा अतः अथा तो अथा मतलब अब मतलब कब तुम मनुष्य बने हो, अथा अतः अथा मतलब अब, अतः मतलब इसलिए तुम मनुष्य बने हो, इसीलिए क्या करो, ब्रह्म जिज्ञासु बनो। परिप्रश्नेन सेवया, जैसे गीता में भी कृष्ण कहे हैं, प्रश्न पूछो, के अमी के ने अमाय जारे तापत्राय, प्रश्न पूछो उसके उत्तर मिल जाएंगे। हर सवाल का जवाब है, ऐसा कोई और वैसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता जो पहले कभी नहीं पूछा हो। हम नया प्रश्न कभी नहीं पूछ सकते, हमसे पहले कईयों ने वो प्रश्न पूछा हुआ था, अब हम पूछते हैं। तो जब भी पूछा था, जब जब पूछा था, तब तब उसका उत्तर उपलब्ध था,
कि उत्तर तो सत्य है, तो सत्य शाश्वत है, सत्यमेव जायते, और सत्य की जय भी होती है। सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, अर्जुन भी कहे भगवान आप जो जो कहते हो सत्य ही कहते हो। और तो भगवान कहे है गीता में, या फिर वैसे वेद वाणी भी भगवान की वाणी है, और ये सब सत्य है। हरि हरि। तो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम लोग जिज्ञासु बने, ब्रह्म जिज्ञासु, केवल जिज्ञासु नहीं, ब्रह्म जिज्ञासु, ब्रह्म के संबंध में या परब्रह्म के संबंध में, आत्मा के संबंध में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और क्या भाव चल रहा है, बाजार भाव, ऐसी इंक्वायरीज। हरी हरी। नहीं तो वैसे प्रश्नोत्तर तो चलते रहते हैं रात दिन, कोर्ट कचहरी में या साग सब्जी मार्केट में या स्कूल कॉलेजेस में या लाइक दैट। लेकिन अधिकतर वो प्रश्न आध्यात्मिक नहीं होते या ब्रह्म के संबंधित नहीं होते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम सब गाएंगे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ऊंचा हरे 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 राम, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितान्येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्तुते नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रदरो न परः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय
श्री गौर नेताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ललिता विशाखा राधा माधव की जय। नेताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कान खानपुर की जय। इस्कान खानपुर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यू लाइक्ड इट? अच्छा लगा आपको? ऐसे कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तो नहीं है, जानता हूँ, कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। अगर रंजन की बात करनी ही है तो ये वैसे आत्मरंजन, आत्मरंजन के लिए। हरी हरी। आत्मा के शांति के लिए, तृप्ति के लिए, आत्मा के पुष्टि और पोषण के लिए, ताकि हम सब आत्मा के बन जाए महात्मा, सभी स्त्रियां भी। या तो आत्मा की बात चल रही है तो स्त्री पुरुष का कोई प्रश्न या भेद है नहीं। वाह, ऐसे ही आप सभी अपने अपने घरों में, आप जहाँ भी हो, जहाँ तहाँ, इसको नीचे रखा जा सकता है। आप कीर्तन करते रहो, ये बात स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह के गए। और ये कहने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गांव गांव गए, शहर शहर भी गए। संभावना है जब वे जगन्नाथपुरी से फिर झारखंड, अब तो स्टेट बना है राज्य के एक समय वो जंगल था, वहाँ से होते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मथुरा वृंदावन गए, तो कानपुर रास्ते में आता है कहो। तो फिर भगवान भी यहाँ आए होंगे, ऐसा मुझे कहना था। तो संभावना है। और ऐसे कुछ सुनने में भी आया था कि चैतन्य महाप्रभु यही कहीं पर गंगा के तट पर इसी क्षेत्र में स्नान भी किए और फिर आगे बढ़े। तो कृष्ण जो दयालु है, वे कैसे कृष्ण अगर वे दयालु नहीं होते तो? तो हुआ, तो हमारी नहीं तो भगवान की तो बात को सुनो। तो भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कहा?
बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, कर कृष्ण शिक्षा, सब दो तीन बातें भी कही, या वैसे स्वयं भी कहते ये सब बातें। और फिर उन्होंने एक समय हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को भी कहा था, ये लीडिंग प्रीचर्स थे, कौन, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। हरिदास ठाकुर कौन थे, स्वयं ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश में से जो ब्रह्मा है, वे बन गए ब्रह्म हरिदास ठाकुर, या उनका नाम हुआ, उसका नाम हरिदास ठाकुर, लेकिन साथ में वे थे ब्रह्मा, इसीलिए ब्रह्म हरिदास ठाकुर भी कहते हैं। वे और बलराम होइल निथाय, बलराम कृष्ण बलराम की, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया, ओ दाऊ जी 500 वर्ष पूर्व बने नित्यानंद प्रभु, बलराम होइल निताय, तो लाइक दिस ऐसे कई सारी टीमें, टीम्स, टीमें अंग्रेज शब्द है, आप चैतन्य महाप्रभु की ओर से प्रचार करते हैं, तो उसमें से एक टीम, लीडिंग टीम थी हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु दे, सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, प्रति घरे गया, हर घर में जाओ और करह अमार आज्ञा प्रकाश, और मेरी आज्ञा, आज्ञा का को प्रकाशित करो, बताओ क्या है मेरी आज्ञा, आदेश, उपदेश क्या है, बोलो कृष्ण, उनको कहो बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा, कहो बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, कर भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, हमारा नहीं है, हम कौन है आपको आदेश देने वाले, बस हम भी आप जैसे ही है, आई एम जस्ट वन ऑफ यू। हरी हरी, क्या हुआ, तो फिर ये 500 वर्ष पूर्व की बात, जब चैतन्य महाप्रभु संभवामी युगे युगे हुआ, मतलब भगवान प्रकट हुए, अवतार लिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किए, और फिर उनको क्या करना होता है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करते हैं, और फिर कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन, कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन आर नई धर्म, ऐसा शास्त्रों में कहा है, दूसरा धर्म नहीं है इस कलयुग में, कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते, ऐसा ब्रह्मा कहे, नारद मुनि को कहे, नारद मुनि जब ऐसा, अब हम आपको ये केवल, अगर आप झट से मान लोगे कलयुग का धर्म है क्या हरिनाम संकीर्तन, मंजूर है, अगर नहीं है तो फिर आपको बहुत सारे उद्धरण देने पड़े, हम शास्त्रों से ही कहे भाई ये शास्त्र में कहा, ये ब्रह्मा ने कहा, इन्होंने कहा, समझ रहे कि नहीं आप, ओके, तो फिर समझ रहे हो तो फिर आप नहीं कहेंगे, आगे की बात है। तो आप धार्मिक बनो, तो कलयुग का धर्म हरि नाम संकीर्तन, फिर धार्मिक बनना मतलब क्या करना होगा,
उस धर्म को, कलियुग के धर्म को अपनाना होगा, तब हम बन जाएंगे धार्मिक बनेंगे। तो यदि अगर हम यदि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा वैसे नारद जी को वही बात, ब्रह्मा पहले कहे जब उन्होंने पूछा था, अब नया जमाना या नया युग आया कलयुग के प्रारंभ में, नारद जी जाते हैं ब्रह्मा के पास, और नारद जी के ब्रह्मा कौन लगते हैं, एक तो फादर है, पिता है और गुरु भी है, ब्रह्मा आचार्य भी है, वे केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं है, इज़ नॉट ओनली इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन को संभालते हैं, ये सृष्टि की रचना, वो आचार्य भी है। वैसे हम जो इस्कॉन के भक्त है श्री प्रभुपाद की, या हम गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, तो हमारे आचार्य प्रथम आचार्य तो ब्रह्मा है। चार अलग अलग वैष्णव परंपराएं हैं, उसमें से एक परंपरा है उसके प्रथम आचार्य ब्रह्मा है। तो वह ब्रह्मा ने नारद जी को कहा हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, कलयुग में हरि का नाम। तो उनका हरि के तो कई नाम है, कई सारे नाम है, विष्णु सहस्र नाम भी है, तो कोई स्पेसिफिक कोई विशेष नाम है तो कहिए जिसका उच्चारण या कीर्तन या जप करना चाहिए कलयुग के जीवों को। तो फिर ब्रह्मा कहे थे ओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते, ऐसा ब्रह्मा कहे। इति मतलब ये सोलह, इति षोडशकम नाम, ये सोलह जो नाम है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम, कलि के जो कलमश है, कलि के जो दोष है, कलेर दोष निधे राजन, उसका विनाश करता है ये हरि नाम। और इससे बढ़िया दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेशु, मैं तो वेद का ज्ञाता हूँ, मैं ही तो पहला व्यक्ति था जिसने वेद वाणी सुनी सीधे भगवान के मुखारविंद से, तो आई एम अथॉरिटी, तो मैं कह सकता हूँ न अतः परतरः उपायः, परतरः मतलब बेटर, परतरः तरतम होता है, तरतम गुड बेटर बेस्ट, तो इससे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। सर्ववेदेशु, सभी वेदों में दूसरा उपाय नहीं बताया है, हरेर नामैव केवलम हरि हरि। तो ओके, फिर नारद मुनि की परंपरा में भी कहो स्वयं भगवान भी प्रकट, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उसी परंपरा में, और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में रिसेंटली इन 20th century भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए और वे भगवान के मिशन को या भगवान ने दिए हुए धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी वैसे उनके गुरु ने ये रहे, ओके ये नहीं रहे, ये भी ये रहे, ये तो भगवान रहे, आप तो परिचित हो, ये श्रील प्रभुपाद की।
That is Prabhupada. Yeah, Prabhupada, he Prabhupada. Hmm? Yeah. यतो यतो यामी ततो जहाँ जहाँ हम देखते हैं जाते हैं वहाँ श्री प्रभुपाद है तो श्री प्रभुपाद को आदेश दिया उनके गुरु महाराज ने 100 साल पहले की बात है ऐसे हम 100th एनिवर्सरी मना रहे हैं हाँ किसकी 100th एनिवर्सरी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को जो उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कौन सा आदेश तुम पाश्चात्य देशों में जाओ और अंग्रेजी भाषा में भागवत धर्म का या चैतन्य भागवत का प्रचार करो दिस वाज इंस्ट्रक्शन तो ये इंस्ट्रक्शन 100 साल पहले दी हुई थी तो इस कान में हम लोग इसका उत्सव मना रहे हैं 2022 चल रहा है तो 1922 में ये आदेश दिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को तो श्रील प्रभुपाद उस आदेश का पालन किए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको संक्षिप्त में क्या कहते हैं इस्कॉन कहते हैं इस्कॉन तो फिर अब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के रक्षक ही कहो श्रील प्रभुपाद रहे तो उनकी जिम्मेदारी थी फिर चैतन्य महाप्रभु के आदेश और इच्छा भी उपदेश का प्रचार प्रसार करे तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु का जैसे हमने थोड़े में कहा ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि भगवान क्यों प्रकट होते हैं या एक कारण होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना और कलयुग का धर्म है क्या है हरिनाम संकीर्तन है तो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने की जिम्मेदारी भी फिर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की रही तो उन्होंने कई सारे उपाय या योजनाएं बनाई ताकि हरिनाम का प्रचार प्रसार होता रहे और प्रचार प्रसार कहाँ तक करना है विश्व भर में करना है चैतन्य महाप्रभु ने कहा था पृथ्वी ते अच्छ जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम बंगाली में कहे भगवान अब बंगाल में प्रकट हुए थे मायापुर नवदीप धाम के विच इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन वृंदावन से भिन्न नहीं है वृंदावन ही है क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है केवल कृष्ण नहीं है वो राधा भी है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य ऐसा परिचय है चैतन्य महाप्रभु का तो मायापुर नवदीप में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और फिर उन्होंने ये भविष्यवाणी की मेरे नाम का प्रचार इस पृथ्वी पर होगा पूरे पृथ्वी पर होगा पृथ्वी के हर नगर में हर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा तो इस भविष्यवाणी को सच करके दिखाए भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो हरिनाम फैलाने पहुंचाने की कई सारी योजनाएं बनाई उसके अंतर्गत श्रील प्रभुपाद ने ये पदयात्रा
वॉकिंग फेस्टिवल या फिर बुलक्कार संकीर्तन प्रारंभ किए और इस प्रचार के वेल अब क्या कहें, उन्होंने टॉपिक ही ऐसा दिया मुझे तो फिर कहना तो पड़ेगा। मुझे ही आदेश दिए श्रील प्रभुपाद कि तुम बैलगाड़ी से पद यात्रा से हरि नाम का प्रचार करो। और भी हरि नाम प्रचार के साधन या माध्यम, तो उसमें से पद यात्रा में से एक विशेष या मुख्य साधन कह सकते हैं नगरों में ग्रामों में पहुंचाने के लिए हरि नाम को। पता नहीं आप क्या देख रहे हो, आई डोंट नो। तो हुआ तो ये आदेश मुझे राधाष्टमी के दिन न्यू दिल्ली में जहाँ इस्कॉन था राधा पार्थ सारथी मंदिर में प्रभुपाद मुझे कहे इसको तुम निभाओ संभालो। तो फिर हम दिल्ली से हम वृंदावन गए और तैयारी की हमने ताकि हम पदयात्रा या बुलक्कार संकीर्तन के साथ जा सकते हैं। ये 76 की बात है, सितंबर महीना या 10 या 12 तारीख होगी। प्रभुपाद स्वयं इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए कृष्ण बलराम मंदिर के पीछे जो उनका क्वार्टर है प्रभुपाद क्वार्टर में। हम कोई 10 एक दर्जन हम पदयात्री बुलक्कार संकीर्तन पार्टी के सदस्य थे, तो प्रभुपाद ने एक पूरा घंटा हमारे साथ बातें की और बहुत कुछ समझाया बुझाया कैसे कैसे इसका प्रचार प्रसार करना है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जब गांव में जाओगे तो जब कुआ है या टू पार्क योर कार्ट नेक्स्ट टू द वेल, कुआ होता है ना गांव में, तो बाद में पता चला जैसे मैं गांव वाला ही था तो मुझे पता चला कि गांव के लोग जहाँ पानी प्राप्त होता है उन दिनों में तो ये नल वगैरह नहीं चलते थे, तो वहाँ लोग आते हैं तो आपको ज़रूर मिलेंगे या उनको आप मिल सकते हो। ऐसे प्रभुपाद बहुत कुछ, दो दो कंबल रखो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि ठंडी के दिन अभी शुरू होने ही वाले थे और तुम्हारे बैलगाड़ी को रबर टायर होना चाहिए ऐसा भी प्रभुपाद लाइक दैट। अरी अरी और गांव में जाओगे तो गांव के लोगों को गांव में ही रखना है। आजकल गांव के लोग शहर की ओर दौड़ रहे हैं।
भरपूर मेद है, हमारी खूब सहायता की और हम लोग कानपुर में पदयात्रा भी कर रहे थे, नगर कीर्तन और ग्रंथ वितरण। हमारे पदयात्रा के लिए वैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक सहाय नहीं था, हमारा बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट ही नहीं था तो बैलेंस नील ही हुआ करता था। तो हमने प्रभुपाद को लिखा था, कानपुर से मैंने प्रभुपाद को पत्र लिखा, हमको सेंड अस सम मनी एंड सम मैन पावर। तो प्रभुपाद ने कहा, नो नो, डोंट डिपेंड ऑन आउटसाइड हेल्प, औरों से, औरों पर निर्भर नहीं रहना, तुमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है। और प्रभुपाद ने कहा कि तुमको ग्रंथों का वितरण करना है। ऐसे श्रील प्रभुपाद एक संकीर्तन न्यूज़लेटर भेजे उस पत्र के साथ और कहा कि देखो, हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी, ये जो इंस्टीट्यूशन है, दिस इज़ मेंटेन विद द कलेक्शन फ्रॉम द बुक सेल्स, हम जो ग्रंथों का वितरण करते विश्वभर में उसी से हम सारे इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करते, तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। तो अरे अरे, और ये भी विचार हो रहा था कि फंड रेजिंग के लिए कानपुर में हम कुछ सेंटर खोल सकते हैं और यहाँ प्रचार करके, फिर कानपुर में तो फंड्स है, धनाढ्य लोग है, उद्योगपति है कानपुर। तो प्रभुपाद ने मुझे, प्रभुपाद का पता चला कि हम कुछ सोच रहे कैसे हाउ टू रेज फंड, शायद कानपुर में फंड रेजिंग हो सकता है। तो प्रभुपाद ने मुझे पत्र लिखा और एक पत्र लिखा और कहा, उन्होंने एक एड्रेस दिया, मिस्टर जी पंत, अशोक नगर, पूरा एड्रेस था कानपुर। प्रभुपाद ने कहा, कल ही दिस जेंटलमैन हैड कम टू सी मी, मुझे मिलने के लिए वृंदावन में, कानपुर के एक व्यक्ति, वो पंत उनका नाम, मिस्टर पंत आए थे और इज़ अ ग्रेट डिवोटी एंड आपको मदद कर सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट हिम। तो इस प्रकार का विचार और श्रील प्रभुपाद के साथ हमारा संवाद संपर्क हो रहा था कानपुर के संबंध में, ताकि कानपुर में कुछ फंड रेजिंग हो पदयात्रा बुलककार संकीर्तन पार्टी के योगदान के लिए या सहायता के लिए। और वैसे मैंने पदयात्रा को बुलककार पार्टी को आगे भेजा भी था और मैं अकेला पीछे रुका भी था कुछ समय के लिए, फंड रेजिंग या कुछ सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन फिर हम वैसे मैं भी ज्वाइन किया, आगे बढ़ा मैं। और फिर हरी हरी, और फिर हम पहुँच ही गए, हरे कृष्णा। तो अलाहाबाद प्रयागराज पहुँचे कुंभ मेले के समय, दिस इज 77 में कुंभ मेला। तो श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन का कैंप था वहाँ, पंडाल प्रोग्राम, और श्रील प्रभुपाद स्वयं आए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए प्रभुपाद आए थे कुंभ मेले में। तो और हमारी बुलककार संकीर्तन पार्टी भी वहाँ पहुँच चुकी थी हम। तो जैसे आज मैं यूपी पदयात्रियों को मिला, तो यूपी पदयात्रा के सभी भक्त मुझे अपना रिपोर्ट सुना रहे थे, कैसे बढ़िया से प्रचार हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, इन्होंने हमें सहायता की, ये सारा रथ का जो भी कंट्रीब्यूशन है, धनराशि इन्होंने दी, ये हुआ, हमारे पास एक मोटर बाइक है, हम एडवांस पार्टी का काम करते हैं उसकी मदद से, ऐसा बता रहे थे। तो वे जैसे मुझे आज रिपोर्ट दे रहे थे
यूपी पद यात्रा का, तो मैंने श्रील प्रभुपाद को वृंदावन से प्रयागराज तक जो हमारे अनुभव रहे वो सारे कह के सुनाए, और प्रभुपाद बड़ी रुचि ले रहे थे और कई सारे प्रश्न भी पूछ रहे थे, और जैसे जैसे मैं उत्तर देता गया, प्रभुपाद टेंट में रहते थे तंबू में, तो मैं और प्रभुपाद हम दो ही थे वहाँ, तो प्रभुपाद जैसे सुनते गए बुलक्कड़ संकीर्तन पार्टी का रिपोर्ट, तो द फेस इज इंडेक्स ऑफ क्या कहते हैं माइंड, तो उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता थी उसे मैं समझ रहा था कि प्रभुपाद कितने प्रसन्न है। हरी हरी। तो वो जो प्रसन्नता है श्रील प्रभुपाद जो मैंने देखा पर्सनली, मैं देख रहा था प्रभुपाद को, प्रभुपाद के चेहरे के जो भाव है और हर्ष है और प्रसन्नता है, वैसे वो आज भी मुझे प्रेरित करती है पदयात्रा करने के लिए, बुलक्कड़ संकीर्तन को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जानता हूँ या फिर क्या कि जब तक ये पदयात्रा चलती रहेगी और हम रिपोर्ट भेजते रहेंगे, वैसे ईयरली श्रील प्रभुपाद का एक व्यास पूजा बुक बनता है, तो मैं हर वर्ष एटलीस्ट वंस अ ईयर एंड रिपोर्ट भेजता हूँ इस आशा के साथ, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि प्रभुपाद निश्चित ही उस रिपोर्ट से प्रसन्न होंगे। अभी अभी लास्ट वीक मैंने इस साल के व्यास पूजा बुक के लिए मेरा ऑफरिंग भेजा हूँ, तो उसी कुंभ मेले में श्रील प्रभुपाद एक दिन मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे, और हमारी बैलगाड़ी और बैल वो कैंप में पार्क किए थे, तो प्रभुपाद सीधे आए। जब लौटे तो बैलगाड़ी और बैलों के पास आए, मैं भी साथ में वहाँ था ही, तो मुझे एक बात याद आती है, जब जो हमारी बैलगाड़ी थी उसके एक बगल में हमने हमारे पार्टी का नाम लिखा था, भक्ति वेदांत स्वामी बुलक्कड़ संकीर्तन पार्टी, तो ऐसा सीधा नहीं लिखा था, ऐसा अर्ध गोलाकार लगा सेमी सर्कुलर ऐसा लिखा था, तो प्रभुपाद ने पढ़ना शुरू किया भक्ति वेदांत स्वामी बुलक्कड़ संकीर्तन पार्टी। तो प्रभुपाद ऐसा पढ़ के पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए, तो हुआ हमने नाम ही रखा था उस बुलक्कड़ संकीर्तन पार्टी का नाम क्या, भक्ति वेदांत स्वामी बुलक्कड़ संकीर्तन पार्टी के। हरी हरी। तो कुंभ मेले के उपरांत हम लोग और आगे बढ़े, और वैसे हम वाराणसी तक गए। हमारा लक्ष्य तो था, प्रभुपाद का आदेश था कि तुम वृंदावन से कहाँ जाओ, मायापुर जाओ, तो रास्ते में लोग पूछते कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे आपकी आपकी ये यात्रा, तो हम जब कहते कि हम मायापुर जा रहे, तो कुछ लोग कहते आप स्वामी होते हुए आप मायापुर ही जा, माया माया में जा रहे, मायापुर ही जा रहे। लोगों को ये मायापुर नाम से बिल्कुल ही परिचित नहीं थे, अब भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी इस्कॉन के कारण या प्रभुपाद के कारण ही गौरांग महाप्रभु का, और फिर
उनके जन्म स्थान या उनके धाम मायापुर का भी कुछ बोलबाला, कुछ चर्चा, टॉक ऑफ द टाउन धीरे धीरे हो रहा है। तो उन दिनों में तो बिल्कुल नहीं जानते थे, आप मायापुर ही जा, मायापुर ही जा। तो हम जब वाराणसी में थे, मैं इट वॉज ऑलरेडी हम फरवरी में पहुंच गए और मार्च में हमें मायापुर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि मार्च में मास में गौर पूर्णिमा उत्सव संपन्न होता है और श्रील प्रभुपाद मायापुर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे। उनके संसार भर के फॉलोअर्स, उनके डिसाइपल्स को वहाँ एकत्रित वे होते, और गौर पूर्णिमा मतलब कृष्ण जन्माष्टमी जैसा ही उत्सव। कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट हुए तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, फाल्गुन पूर्णिमा, उसका नाम गौर पूर्णिमा, गौरांग 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 नित्यानंद गौरांग गौरांग नित्यानंद गौरांग। जैसे वृंदावन में दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया वृंदावन में चलता है। मायापुर जाओगे तब ये गौरांग गौरांग गौरांग, क्योंकि वही कृष्ण बलराम या गौरांग और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं नवदीप और गौड़ बंगाल में। तो हमें पहुंचना था गौर पूर्णिमा के समय तक, और केवल एक महीना ही बचा था और हम वाराणसी में थे। तो हम सोच रहे थे हाँ क्या कैसे हम समय पर पहुंच सकते हैं। तो हमने कि बड़ी योजना तो नहीं, लेकिन हमने सारे एक एक लॉरी को हमने किसी को बताना नहीं है दिस इज क्योंकि हमने थोड़ा ठग लिया या थोड़ा जाना तो चाहिए तुमको बैलगाड़ी और पद यात्रा करते हुए वृंदावन से मायापुर, लेकिन पहुंचना तो चाहते थे गौर पूर्णिमा के समय तक। हमने लॉरी को हायर किया और हमारी बैलगाड़ी, हमारे बैल, हमारे सारे पदयात्री, उनका सब पर्सनल बिलोंगिंग्स, हमारे बुक्स, हमारे गौर निताय के विग्रह भी हमारे साथ थे। तो उस समय के वृंदावन के हेड पुजारी वे गृहस्थ थे, उनके गौरनिताय पर्सनल गौरनिताय थे, तो उन्होंने हमको गौरनिताय को दिया था। तो ये सारा हमने लॉरी में लोड किया और ये थोड़ा काला धंधा था तो हमने रात में प्रवास करना चाहते थे ताकि किसी को पता न चले कि हम, तो हम लोड करके पूरे बिहार को हमने क्रॉस किया और बिहार बंगाल के बॉर्डर में अनलोडिंग हुआ और फिर वहाँ से हम मायापुर के लिए प्रस्थान किए। तो मायापुर बंगाल में और स्थानों पर भी, लेकिन स्पेशली बंगाल में पदयात्रा का बहुत बहुत ही स्वागत, क्योंकि यह बंगालीज एक प्रकार से एक दृष्टि से भाग्यवान गौरांग महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए और ये हरे कृष्ण कीर्तन वैसे बंगाल में प्रसिद्ध कब से है। ये वह अष्ट प्रहर कीर्तन होता है, अष्ट प्रहर मतलब 24 घंटे या 24 प्रहर तीन रात तीन दिन ऐसे अखंड हरिनाम हरे कृष्ण कीर्तन होता है। और तो वह हमारा बहुत बड़ा स्वागत होता रहा जहाँ जहाँ हम गए।
और फिर हम नवद्वीप शहर गए। हमको गंगा को पार करना था ताकि हम मायापुर चंद्रोदय मंदिर जा सकते हैं। तो फिर हमने दोबारा हमारा जो सारा सेटअप था बोट में लोड किया, बोट में बैलगाड़ी, बैल, सारे पदयात्री। तो हम जब क्रॉस कर रहे थे, नवद्वीप टाउन शहर है, शहर का नाम भी नवद्वीप है, इसमें गंगा और उस पार है मायापुर या मायापुर चंद्रोदय मंदिर इस्कॉन टेम्पल। तो जब हम नदी को पार कर रहे थे तो हमारे एक बैल गंगा में उतर गया अरे अरे तो वह बोट तो आगे जा रही थी, बैल पीछे जा रहा था। तो वह नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अल्लाह, हम प्रार्थना कर रहे थे नरसिंह भगवान को, प्लीज़ हेल्प, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। तो हम बैल को खींच रहे थे, बैल कुछ तैर तैर के, तो बड़े मुश्किल से और प्रार्थना से फिर हम सभी क्रॉस किए एंड हम लोग मायापुर पहुंच गए। तो फिर मायापुर चंद्रोदय मंदिर पहुंचे तो मध्याह्न के समय आरती हो रही थी राधा माधव की। राधा माधव, आपके भी राधा माधव, मायापुर के विग्रह भी राधा माधव कहलाते हैं। तो हमने दर्शन किया, बैलगाड़ी को पार किया था मंदिर के सामने और हम ऊपर गए प्रभुपाद को मिलने के लिए। प्रभुपाद हमको वृंदावन में मिले थे, बीच में अलाहाबाद में मिले थे, प्रयागराज में, और मायापुर जब पहुँचे तो प्रभुपाद वहाँ थे। तो हम सेकंड फ्लोर पर प्रभुपाद रहते थे, तो हम जब उस मंजिल पर पहुँचे तो हुआ श्रील प्रभुपाद के सर्वेंट हरिशौरी प्रभु करके उन दिनों में वॉज पर्सनल सर्वेंट। तो वह हम उस मंजिल पर चढ़ने वाले थे तो वे आए आगे और यू कांट गो, प्रभुपाद इज बिजी, नो नो यू कांट सी हिम, नहीं मिल सकते। तो लकीली कहते हैं प्रभुपाद अपने शावर रूम, बाथरूम अलग से था, अटैच नहीं था बाथरूम। तो बाथरूम से बाहर आए और अपने रूम में प्रभुपाद जाने वाले थे तो उन्होंने देखा कुछ हो रहा है यहाँ, दंगल ये हरिशौरी रोक रहे हैं, नहीं नहीं हम जाना चाहते, प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह वस प्लीज़। तो प्रभुपाद ने कहा कि उनका आने दो, परिवार। तो फिर जब हम प्रभुपाद के कमरे में पहुँचे इन द लोटस बिल्डिंग ऑन द सेकंड फ्लोर, तो हम प्रणाम करके बैठ गए। तो उस दिन श्रील प्रभुपाद को ही उनके शिष्यों ने, जब वे दर्शन के लिए आए थे, कई सारी मालाएं पहनाए थे, कमल के पुष्पों के, लोटस फ्लावर्स, कई प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की मालाएं, और वो सारा ढेर वहाँ पड़ा हुआ था प्रभुपाद के कक्ष में ही। तो वो प्रभुपाद कहे तमाल कृष्णा हरिशौरी ऑफर देम गार्लैंड्स। तो कुछ ही क्षणों में हम बड़े बड़े गार्लैंड पहन के तो प्रभुपाद ने इस प्रकार हमारा स्वागत और न जाने क्यों इतना सत्कार सम्मान भी किया। अरे अरे, और फिर पुनः रिपोर्टिंग हुई जैसे प्रयागराज में हुई थी। तो अब प्रयागराज से मायापुर तक यात्रा का सारा
वर्णन हमके अनुभव सुनाए। तो प्रभुपाद से कहे थे, प्रभुपाद पूछे हाउ वॉज द जर्नी, प्रवास कैसा रहा। तो मुझे याद है मैंने कहा था, प्रभुपाद इट वॉज ईजी जर्नी टू मायापुर प्लैनेट। एक प्रभुपाद का ग्रंथ है, उसका नाम है ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, या अन्य लोगों की सुगम यात्रा, हिंदी में अन्य लोगों की सुगम यात्रा। तो उस टाइटल को के साथ हमने कहा, मैंने कहा इट वॉज ईजी जर्नी, यात्रा सुगम रही श्रील प्रभुपाद, मायापुर धाम की यात्रा सुगम रही। हरी हरी। तो हुआ तो उस उत्सव के उपरांत प्रभुपाद कहे, नाउ यू गो टू जगन्नाथपुरी। पहले तो वृंदावन से मायापुर जाओ कहे थे, अब कहे तुम जगन्नाथपुरी जाओ। और हम गए भी, जा भी रहे थे। तो मैंने कई सारे और भी, नाउ दिस इज 77 प्रभुपाद का ये अंतिम साल है हमारे मध्य में या इस संसार में कहो। तो वह वही बात कहते हैं कि अब नवंबर में प्रभुपाद वृंदावन में थे, और प्रभुपाद चल बसने के, उनके देहांत या वैकुंठ गमन गोलोकवास के एक सप्ताह पहले हम, मैं और मेरी पार्टी, वैसे हम बुलकार्ड पार्टी के साथ साथ एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी भी प्रभुपाद ने हमको संभालने के लिए कहा था। उस पार्टी का नाम था नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी। तब हम जब मायापुर पहुँचे तो प्रभुपाद ने कृपया हमको दर्शन दिया। से प्रभुपाद तो लेटा करते थे, लेटते ही थे, बैठना भी मुश्किल था उन दिनों में प्रभुपाद के लिए। तो हम जाके बैठे श्रील प्रभुपाद के बगल में, और पुनः प्रभुपाद ने रिपोर्ट, नाउ बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, तो हमने सारा रिपोर्ट दिया। उस समय हम वैसे बद्रिकाश्रम से आए थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते बद्रिकाश्रम गए, लेकिन प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस बात को हम जानते ही थे। लेकिन स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है, कुछ पता तो नहीं लगा सकते उन दिनों में, मोबाइल्स एंड ये ईमेल्स एंड एसएमएस मैसेज संभव नहीं था। तो हम स्वयं ही आए बद्रिकाश्रम से, नीचे उतरे, वृंदावन आए। तो प्रभुपाद पूछ रहे थे कौन सा बुक का अधिक वितरण हो रहा है। तो उस समय हमने ये भी कहा था प्रभुपाद को कि हम बद्रिकाश्रम गए थे श्रील प्रभुपाद, और हमने व्यास गुफा में गए तो आपकी भगवद गीता हमने श्रील व्यासदेव को दिखाई। तो प्रभुपाद को बात अच्छी लगी, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस, हियर दिस। तो हमने सोचा कि व्यास गुफा में तो व्यास देव रहते ही है, रहते होंगे, रहते ही है, हमने तो उनको नहीं देखा, लेकिन उन्होंने ज़रूर हमको देखा होगा, और हमारे पास तो गीता तो थे ही, तो हमको और गीता को भी देखा होगा। तो हमने कहा प्रभुपाद को आपकी गीता दिखाई हमने श्रील व्यास देव को। तो उस बैठक के दर्शन के अंत में, वैसे मैं उठ के, मैं और भक्त भी थे मेरे नारद मुनि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के, तो हम जा रहे थे, मैं कुछ अंतिम व्यक्ति था उस कमरे से बाहर जाने वाला। तो पीछे मुड़ के देखा मैंने जाते जाने के पहले, तो प्रभुपाद ने इशारा किया उंगली से, कहे कम बैक। तो मैं गया और बैठा, तो प्रभुपाद ने भाई इतने विस्तार से तो नहीं कहेंगे,
तो प्रभुपाद कहे आई वुड लाइक टू सी यू. व्हाट टाइम कुड आई सी यू. प्रभुपाद मुझे पूछ रहे थे कि मैं तुम्हें किस समय मिल सकता हूँ. तो मैंने कहा एनी टाइम प्रभुपाद, देयर इज नो क्वेश्चन व्हाट टाइम और एनी टाइम यू विश टू सी मी. तो प्रभुपाद कहे 4 o'clock ओके. चार तो ऑफकोर्स ओके. तो फिर दिन भर मैं सोच रहा था प्रभुपाद जिस ढंग से प्रभुपाद वो कहे थे आई वुड लाइक टू सी यू, तो कोई गंभीर मामला लग रहा था. नहीं, इट्स वेरी सीरियस. इट्स कुछ प्रपोजल था उनके. ही हैड समथिंग ऑन हिज माइंड. तो हुआ तो 4 बजे जब हम लौटे तो ये पता चला कि मुझे जो बात कहना चाहते थे 4 बजे प्रभुपाद ने दिन में ही उनके सर्वेंट्स और सेक्रेटरी को कह चुके थे. और वो ये बात थी कि प्रभुपाद बैलगाड़ी से ब्रजमंडल की स्पेशली एज अ ट्रायल गोवर्धन की यात्रा करना चाहते थे. आपने तो कह दिया हरी बोल. वैसे हमने भी कहा था हरी बोल, लेकिन कईयों ने कहा सावधान, क्योंकि प्रभुपाद ही वॉज बेड फॉर 4-6 महीने से. प्रभुपाद ऐसा ही उनकी स्थिति कुछ नाजुक थी. तो वैसे हम जो सीनियर डिवोटीज थे कृष्ण बलराम मंदिर के गेस्ट हाउस के स्वागत कक्ष में बैठकर सब विचार हो रहा था, मैं भी था. तो उन्होंने मुझे भेजा मथुरा बैलगाड़ी के आयोजन के लिए. उन्होंने बैलगाड़ी का आयोजन भी किया. जैसे बैलगाड़ी आके कृष्ण बलराम मंदिर के सामने पार्क भी की हुई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग जाना था गोवर्धन के लिए. लेकिन फिर उस रात को काफ़ी यस नो हा ना ऐसे काफ़ी याद उचित अनुचित. तो अंततो गत्वा वैसे प्रभुपाद ने वो आइडिया ड्रॉप की बैलगाड़ी से जाने की. तो प्रभुपाद तो बुलका ट्रैवलिंग आइडिया तो अब नहीं होने वाली थी. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वैसे नॉट मॉर्निंग ड्यूरिंग द डे तो प्रभुपाद ने बैलगाड़ी से ट्रैवलिंग उस समय नहीं करूँगा ये सब बात तो हुई थी. लेकिन ट्रैवलिंग करना है प्रभुपाद ट्रैवलिंग के आइडिया नहीं छोड़े, क्योंकि बैलगाड़ी से इस हालत में नहीं कर सकता था प्रभुपाद. फिर हम कई सारे शिष्य बैठे थे प्रभुपाद के बेड के इर्द गिर्द. तो प्रभुपाद ने पुनः प्रस्ताव रखा आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद द बसेस, बसों के साथ मैं ट्रैवलिंग करूँगा. तो इस बात का तो किसी ने विरोध नहीं किया. और प्रभुपाद ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो इस बात से सभी प्रसन्न भी थे. मतलब प्रभुपाद हमारे मध्य में अब रहेंगे, भगवत धाम लौटेंगे नहीं, हमारे साथ रहेंगे. तो हम सभी ने स्वागत ही किया. तो उस वक्त प्रभुपाद कई सारे शिष्य गए प्रभुपाद मैं कहूँगा नहीं. सो लाइक दैट तो ये बैलगाड़ी से ट्रैवलिंग तो नहीं हुआ. तो मैं सोच रहा था क्योंकि मैं ही बैलगाड़ी का मालिक या उसका उस जिम्मेदारी मेरी थी. प्रभुपाद ने दी थी मुझे जिम्मेदारी बैलगाड़ी
मुलाकात संकीर्तन पार्टी की, तो मैंने सोचा कि दिस इज विल, प्रभुपाद की ये अंतिम इच्छा रही बैलगाड़ी से ट्रैवलिंग करने की इच्छा, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। तो मैं सोच रहा था कैसे और कब हम प्रभुपाद को, वैसे प्रभुपाद की आइडिया थी एज ए ट्रायल पहले वृंदावन में यात्रा करेंगे और धीरे धीरे वैसे सर्वत्र प्रचार या प्रचार भी, फाइटिंग विद माया कहते प्रभुपाद, मैं भगवत धाम कैसे लौटूंगा, वाइल फाइटिंग विद माया, मतलब प्रचार, प्रीचिंग इज फाइटिंग फाइटिंग विद माया आई वॉन्ट टू लीव द वर्ल्ड। तो फिर 84 में, in 1984, इस्कॉन हम योजना बना रहे थे कैसे हम चैतन्य महाप्रभु का 500th बर्थ एनिवर्सरी मना सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु 1486 में उनका प्राकट्य हुआ था, तो 1986 में 500 वर्ष पूरे होने वाले थे चैतन्य महाप्रभु के, तो 500th एनिवर्सरी, पंचशताब्दी महोत्सव, तो योजना बनी और उस योजना के साथ हम श्रील प्रभुपाद की जो विल जिसको फुलफिल नहीं हुई थी, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई थी, उसकी पूर्ति होगी। तो हम सब ने योजना बनाए कि हम बैलगाड़ी या बैलगाड़ी के साथ पदयात्रा करेंगे अब द्वारका से मायापुर तक। पहली यात्रा थी वृंदावन से मायापुर तक, और आपकी यात्रा थोनी द्वारका से मायापुर तक वाया कन्याकुमारी। तो हम और वो पदयात्रा भी राधाष्टमी के दिन शुरू हुई, जिस दिन मुझे आदेश दिया था प्रभुपाद ने, जन्माष्टमी राधाष्टमी के दिन तुम बोलक कार्ड पार्टी का संभालो। तो हम इन 18 महीनों के उपरांत 8000 मील की यात्रा करके हम द्वारका से मायापुर पहुँचे। उस समय इट वॉज अ बिग सेटअप, बिग सर्कस की तरह, केवल हमारे पास हाथी भी था और एक ऊँट गाड़ी भी थी, बैलगाड़ियाँ तो कई सारी थी। ये जो बैल आजकल जो यूपी पदयात्रा में बैल है, तो वो आइडिया हमको 84 में आ गई, वहाँ से गुजरात के बैल हमने लिए। तब से जब जहाँ जहाँ पदयात्रा शुरू होती है नई पदयात्रा, तो वहीं से हम बैल लाते हैं। तो इस पदयात्रा में जो यश मिला, तो हमने फिर सोचा कि हम कैसे रुक सकते हैं, वी कैन नॉट स्टॉप। तो हम लोग मायापुर में रुकना चाहिए था, हम रुके नहीं। हमने सोचा कि अब क्या करते हैं, जहाँ से यात्रा शुरू की है वहीं पर पूरी करेंगे, एक राउंड पूरा करेंगे। तो हम द्वारका से वैसे जगन्नाथपुरी आए थे, तो जगन्नाथपुरी से हमने सोचा कि हम बद्रिकाश्रम जाएंगे, मायापुर से बद्रिकाश्रम एंड बैक टू द्वारका, और रामेश्वर भी हम गए थे ही, तो चार धाम की यात्रा करके तो हमने एक राउंड पूरा कर लिया। एक राउंड पूरा कर लिया तो हमने सोचा और एक राउंड करेंगे, एंड थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, और इस प्रकार ऑल इंडिया पदयात्रा ने भारतवर्ष का इंडियन कॉन्टिनेंट की 6 बार यात्रा की हुई है। और उस यात्रा को हम मदर ऑफ ऑल पदयात्राज कहते, मदर पदयात्रा ऑल इंडिया पदयात्रा, और फिर उसी के बच्चे यूपी पदयात्रा, और नाउ या आंध्र प्रदेश पदयात्रा, या उत्कल बंग पदयात्रा, महाराष्ट्र पदयात्रा, गुजरात पदयात्रा, लाइक दैट
एक हाफ डजन स्टेट्स में पदयात्रा चल रही है. एंड देन फिर हमने एक ही पदयात्रा चल रही थी तो प्रभुपाद ने बड़े प्रसन्न थे उस बैलगाड़ी पुलक कार्ड संकीर्तन से. तो उन्होंने एक पत्र लिखा अमेरिका के एक शिष्य को, नित्यानंद प्रभु उनका नाम. तो प्रभुपाद ने उस पदयात्रा में लिखा कि वी शुड हैव मिलियंस ऑफ सच कार्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सच कार्ड मतलब कार्ड लाइक इन इंडिया, जैसे हमारी यात्रा चल रही थी. तो प्रभुपाद ने ऐसी लाखों पद यात्राएं संसार भर में हो सकती है, होनी चाहिए. ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उससे हमने स्फूर्ति लेकर फिर जब प्रभुपाद का 100th बर्थ एनिवर्सरी हम इस्कॉन मनाने वाला था इन 1996 में, प्रभुपाद का 100th बर्थ एनिवर्सरी, शताब्दी महोत्सव. शताब्दी मतलब 100 वर्ष पूरे होने वाले थे श्री प्रभुपाद के जन्म को. तो फिर तो इतने में वैसे ही इस्कॉन की पदयात्रा मिनिस्ट्री का भी गठन हो चुका था. इस्कॉन की कई सारी मिनिस्ट्रीज है, उसमें एक पदयात्रा मिनिस्ट्री. तो इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री ने श्रील प्रभुपाद के जन्म शताब्दी का उत्सव मनाने के उद्देश्य से 100 देशों में पदयात्रा का ऑर्गेनाइजेशन हुआ. आप शायद या तो सुने नहीं, आपको आपको कोई ज़्यादा आश्चर्य वगैरह नहीं लगा. 100 बस कितने देशों में, कितने देशों, मैंने कहा 100 देशों, वैसे मोर देन 100, वैसे अभी 111 कंट्रीज में 5 वर्षों तक पदयात्रा. और वे पदयात्री अब तक, वैसे इस्कॉन के पदयात्री 3,00,000 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं. 300,000 किलोमीटर्स एंड एवरी डे नए गांव, नए शहर. एक यात्रा यूरोप पद यात्रा हमने ग्लासगो में शुरू की थी, ग्लासगो इन इंग्लैंड. ग्लासगो से मास्को तक 5 साल हर दिन यात्रा करते हुए, और केवल चलना ही नहीं है, साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हुए यूरोपियंस, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में से ग्लासगो से मास्को तक गए. देन वी हैड अमेरिकन पदयात्रा लाइक दैट. वेस्ट कोस्ट में हमने पदयात्रा की, मैं स्वयं सैन फ्रांसिस्को से सैन डियागो तक हम यात्रा किए. एंड देन ऑन द ईस्ट कोस्ट, एंड देन ऑस्ट्रेलिया में पदयात्रा, अफ्रीका में पदयात्रा, एंड एवरीवेयर पदयात्रा. तो पद आप तो असंख्य गांवों में और नगरों में इस पदयात्रा ने, जो पदयात्रा की परिकल्पना श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की थी. तो ये हरि नाम, तो इसी के साथ चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी, पृथ्वी ते अक्षता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए बे मोर नाम, ये काफ़ी हद तक ये भविष्यवाणी सच कर रही है. श्रील प्रभुपाद की पदयात्रा, पदयात्राएं अराउंड द वर्ल्ड. ओके, धन्यवाद आपके समय के लिए और आपके इंटरेस्ट के लिए. और तो अब आपकी पदयात्रा, इसका कानपुर की अपनी खुद की एक पदयात्रा कई सालों से चल रही है. पदयात्री बैठे यहाँ है, स्टैंड अप.
ऋतुद्वीप प्रभु हमारे लीडर है और पीछे कई सारे पदयात्रीज है। पिछले 3 साल हो गए, 3 years कोरोना में थोड़े समय के लिए रुके थे, रुकना पड़ा, अदरवाइज नॉन स्टॉप यूपी के कई सारे नगरों में, कई सारे ग्रामों में, कल्पना कीजिए एवरी डे। वैसे कई सारे गांवों में से पदयात्रा गुजरती है, फिर एक गांव, दो गांव, तीन, चौथे गांव में फिर रात्रि का पड़ाव, तो नेक्स्ट डे 1, 2, 3 या 1, 2 विलेजेस, देन नेक्स्ट, इस प्रकार। और ये पदयात्रा केवल गांव में और शहर में ही प्रचार या हरिनाम को प्रचार नहीं करती, गांवों के बीच में, नगरों के बीच में भी प्रचार होता है, इन बिटवीन द विलेजेस। तो धन्यवाद, थैंक यू, हरी हरी, पदयात्रियों का अभिनंदन कीजिए, करताल ध्वनि। और इस्कॉन कानपुर के मैनेजमेंट के में हम आभारी है, वी आर थैंकफुल, आप सपोर्ट दे रहे हो, उनको स्फूर्ति दे रहे हो। और आप कभी उसे ज्वाइन कर सकते हो ऑन वीकेंड्स, कोई वेकेशन है, फुल फैमिली जा सकती है उनके साथ यात्रा के लिए, हाँ जा सकते हैं ना, यू आर वेलकम। यूथ जा सकते हैं, ऑफ कोर्स टेंपल ब्रह्मचारीज आर ऑलवेज वेलकम्ड, और गृहस्थ भी ऑन वेकेशन। यात्रा में, ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उन सारे भक्तों से आने के लिए, और आप सब लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। पहले